वन, इट्स लवली। कितने का दिया? 250 ओनली। क्या चाहिए सर? हमें यहाँ का नहीं बाहर का माल चाहिए। नहीं, बाहर का माल हम यहाँ नहीं रखते। नहीं, बाहर का माल अपने आप अंदर चला है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या? अरे आई है यार। क्या कह रहे हैं आप? अरे समझता नहीं है यार, हम वो माल लेने के लिए आए हैं जो मुफ्त में मिलता है। वो माल जो मुफ्त में मिलता है बाहर का? सुनिए सुनिए, जरा मैनेजर साहब से पूछिए। जी मैं, और पूछिए कि मूंगफली मिलती है क्या, जरा पूछिए। मूंगफली? भाई साहब जाइए और बोलिए आई लव यू। जा, गुड लक। अबे जा यार। नहीं यार, आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप भी। पहली बार किसी का डांस मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो हेलो। चलो चलो। हाँ। आगे चलो। लड़की है कि पहाड़? वो दरअसल जिना पर ढूंढ रही है। अबे क्या कर रहा है यार? एक्चुअली अभी बोल दिया आई लव यू। क्या कह? वो दरअसल एक्चुअली हाय 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 हाय। चलना जल्दी, काउंटर क्लोज हो रहा है। चल हमें। अरे मुंह से आई लव यू निकल क्यों नहीं रहा यार? अरे नहीं निकलता यार, जेन्युइन प्रॉब्लम है मेरा। नहीं निकलेगा तो खड़े खड़े बुड्ढा हो जाएगा। जोर लगा के हैया, दम लगा के हैया। निकल 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 दे जा। एक कोलगेट टूथपेस्ट। 32 कोलगेट टूथपेस्ट। 32 दांतों के लिए 32। एक सोप डिश। 25 सोप डिश। 25 एक टॉवल। 100 टॉवल। एक ब्रा। 100 ब्रा। ब्रा? आई एम सॉरी, बनियान। 100 100 बनियान। देखिए ये सब पैक करा के भिजवा दीजिएगा, और ये भी। ओके। अरे चाचा बोल दे बोल दे। व्हाट अ प्लेजेंट मौसम। जॉगिंग सेहत के लिए अच्छी होती है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, यही कि मॉर्निंग में जॉगिंग करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। मेरे डैडी भी सवेरे सवेरे यही पर आके जॉगिंग करते थे। ओलंपिक में 2 बार नंबर 1 आए थे और एशियाड में 1 बार। रियली? नहीं, वो ओलंपिक में 2 बार नहीं आए थे। What? वो एशियाड में 1 बार आए थे और ओलंपिक में 2 बार आए थे। क्या बोलूं यार? अबे बोल बोल, मुंह से बोल। बोलता हूँ बोलता काकी। निशा। क्या बात है? वो बात ये है कि मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वाह क्या पकड़ा आपने। हमारे आपके ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। मैं दरअसल तुमसे कुछ और कहना। तो बोलिए ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था कि मैं आई लव यू निशा। ऐसा लग रहा जैसे सारे जहां का हुस्न सिमट कर तुम्हें समा गया। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम सुंदरता की जीती जागती मूर्ति हो या मैं कोई सपना देख रहा हूं? अर्जुन, तुम्हें मेरी आंखों में नीली झीलें तो नजर नहीं आएंगी, मगर इनमें तुम्हारा रूप सदा बसा रहेगा। ये खून गुलाब की पंखड़ियां ना सही, लेकिन हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का इकरार करते रहेंगे। देखो अर्जुन, मैं एक सीधी सादी लड़की हूं। बड़ी तकलीफों से मेरी बहन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करते रहोगे? इस जन्म में तो क्या, मैं 7 जन्मों तक तुमसे इसी तरह से प्यार करता रहूंगा। सच? आहिस्ता बोलो आहिस्ता। ये बहार, ये वादियां, ये हवाएं, ये फिजाएं,
ये दरख्त सब सुन रहा है। लेकिन वो तो बेजुबान है, हमारी जुबान क्या जाने। अरे नहीं निशा, ये सुनते भी हैं और सुना भी दिया करते हैं। वो कैसे? आओ दिखाता हूँ। आओ देखा, अब तुम बोलो। अर्जुन, अर्जुन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब तुम बोलो, तुम्हारी बारी है। वरना ये वादियां, ये बहार, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये दरख्त सब तुमसे रूठ जाएंगे। ये सब गम है हमारे प्यार के। आज अपने पहले प्यार का इकरार गूंजने दो इन वादियों में। देख बस भी आ चुकी है, चल। लेकिन वो आने वाला है ना? वो अब नहीं आने वाला, चल अब। वो आने वाला है, वो चल चल अब तू। पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही है? पागल हो गई है लड़की, अब बैठ भी जा। अर्जुन, हाय। निशा, अर्जुन, अर्जुन। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुमसे वादा जो किया था। अर्जुन, तुमसे बिछड़ते हुए न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। घबरा मत, मैं जल्दी अपनी पोस्टिंग करवा कर बंबई आ रहा हूं। मैडम बस जाने वाली है, जल्दी आइए। अर्जुन जाओ, मैं आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, वो एडवो जाने जहां, जाने बाहर जहां, गुनगुनाता हुआ भंवरा वहां, मुस्कुराती हुई कलिया जहां, चहचहाता हुआ बुलबुल वहां, कहां है? अर्जुन, अर्जुन प्लीज, मैंने मैंने दीदी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। मगर मैं बताने आया। क्या? यही कि तुम्हारा मेरा जबरदस्त प्यार, रोमांस यानी कि इश्क है। प्लीज अर्जुन। अब देखो तुम्हारा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक पप्पी दे दो। देखो देनी पड़ेगी वरना दीदी आ जाएगी और मैं बोल दूंगा कि हरिया काका। एडवोकेट ज्योति जी, ज्योति जी, गुड इवनिंग। ओह गुड इवनिंग, कब आए? अभी अभी। ये इंस्पेक्टर अर्जुन है, ये हमारी छोटी बहन है। नमस्ते। इन्होंने आज अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। अच्छा? हाँ। अरे वो तो मेरा फर्ज था निशा। अब मेरा फर्ज था। निशा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह अच्छा अच्छा, कम इनसाइड। थैंक्स। वैसे आपकी पुलिस ट्रेनिंग कहाँ हुई? जी मसूरी में। मसूरी में? अरे वहीं से तो पढ़कर आई है निशा भी। अच्छा, कमाल की बात है, मुट्ठी पर मसूरी में मिली नहीं कहीं। मिले भी होंगे तो शायद याद नहीं आपको, क्योंकि याद तो इंसान उसी को रखता है जिसके साथ कोई संबंध हो। ऑब्वियसली। वैसे हमारी बहन का संबंध बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने वाला है। ये अच्छी बात है। लड़का कौन है? लड़का लंदन में रहता है, नाम है महेश आनंद। अच्छा हूँ महेश, वो ऊंचा सा मोटा सा तिरछी चाल चलता है। अरे मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, लंदन के अंदर चरस गांजे और हबीम के चक्कर में पकड़ा गया था। हिंदुस्तान में भी दारू की भट्टी लगाता था। मैंने कितना समझाया, कितना मारा, कितना कहा कि देख महेश ये खराब धंधा, इसको छोड़ दे। क्या कह रहे हो तुम, वैसे तो वो दिखता नहीं है। अरे दीदी जमाना बहुत खराब आ गया,
आजकल जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अरे हाँ दीदी, उसका तो किसी स्मगलिंग के चक्कर में भी न्यूज़ पेपर में नाम आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्या तुम सच कह रहे हो? 100%। देखिए आखिरी आपकी बहन की जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ, और ये महेश जो है ना ये। अरे बस करो, बस 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 बस। दरअसल महेश नाम का कोई है ही नहीं। आप समझ गई हैं, मैं भी समझ गया था, वरना आप जितनी बड़ी एडवोकेट के सामने इतना बड़ा सफेद झूठ कैसे कहता। वैसे हमें बहुत पसंद आया तुम्हारा ये सफेद झूठ, निशा की पसंद भी और ये प्यारा रिश्ता भी। नहीं नहीं नहीं, हमारी मर्जी के बगैर कोई रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। सर आप जीजा जी गलत, अभी तक हम तुम्हारे जीजा जी नहीं हुए क्योंकि तुम्हारी दीदी ने मंजूरी नहीं दी। सर आप लोगों की मंजूरी का मामला आपका आपस का मामला है, मगर इस मामले में आप लोग हमारा मामला मत फंसाइएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह डीसीपी के सामने बात करते हो? सर प्यार मोहब्बत में शर्म नहीं की जाती। शाबाश, थैंक यू वेरी मच सर। हमें मंजूरी चाहिए और आप दोनों का आशीर्वाद दे दूं।